are going to discuss the judiciary chapter powers and functions of the supreme court. Students, I told yesterday about the supreme court. Its supreme court is the highest authority of India and it is independent authority of India. The chief justice of supreme court appointed by the president in present. There are 30 judges of the Supreme Court with Chief Justice of India. यानी Chief Justice सहित भारत जो भारत का Supreme Court है New Delhi में establish है इसमें इस present में 30 judge हैं और उनमें Chief Justice of India वो भी include है. In present Mr. Sarad Arvind Bobade is the Chief Justice of India. In present में Sarad Arvind Bobade जो क्या क्या है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. तो देयर स्टूडेंट्स पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द फर्स्ट एंड देयर आर सिक्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नंबर 1 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. नंबर 2 एपीलेट ज्यूरिडिक्शन. नंबर 3 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. नंबर 4 सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. नंबर 5 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड नंबर 6 प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. So here student, the first is original jurisdiction. Original means होता है मूल, यानी मुख्य, main. So student, between the यानी यहाँ पर original यानी decision given by the Supreme Court या advice taken by the Supreme Court. So student, between the government of India and state of India, यानी यहाँ पर क्या है कि जो मैटर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑल स्टेट ऑफ इंडिया यानी सभी के जो मैटर होते हैं वो वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट इनको सुलझाता है, हेल्प करता है. सेकंड पॉइंट इसका है कि बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स यानी कोई भी स्टेट और ऑन द साइड्स स्टेट्स ऑन द साइड्स एंड वन और मोर यानी दूसरी साइड पे क्या है एक या एक से अधिक स्टेट्स है ऑन द अदर साइड यानी एक साइड में एक स्टेट है और अदर साइड में एक वन और मोर यानी ज्यादा स्टेट्स हैं और सेंटर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इनके बीच के केस भी कौन डिस्प्यूट करेगा. जो वाद विवाद होते हैं डिस्प्यूट यानी जो वाद विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है. थर्ड पॉइंट है बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स. बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स इफ डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑन which existence of legal right depend यानी यहाँ पर रहेगा between two or more states यानी कि दो और दो से ज्यादा states के बीच में अगर कोई dispute यानी बात विवाद होता है तो उसमें involves any question यानी which existence legal right यानी sorry legal right की उसमें होता है भाई क्या होता है legal rights depend यानी उसी पर legal यानी legal right depends. number 2 appellate jurisdiction यानी जो appellate होते हैं मतलब हम appeal करते हैं supreme court में हम अपनी जो writ है वो दायर करते हैं या उसको re-appeal करते हैं पुनः करते हैं. जैसे cases brought in appeal against the decision of high court. here stands if we यानी against the high court यानी जो judgment of the high court अगर जजमेंट हाई कोर्ट का जजमेंट है वैसे देयर आर टू पार्टीज फाइट यानी दे वेंट टू फॉर योर जज यानी जजमेंट टू द हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट में जब जाते हैं अपने जजमेंट के न्याय के लिए तो उनमें किसी एक पार्टी क्या होता है वो केस होती बुझी जाती है और दूसरी पार्टी क्या होता है वो हार जाती है. तो वो अपना जो केस है उसे लगता है कि मेरे अगेंस्ट गलत हुआ है जो फैसला है जो डिसीजन है वो ठीक नहीं आया तो वो डिसीजन लेके कहां जाते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं यानी तो अगेंस्ट द हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं. सेकंड पॉइंट है केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इन्वॉल्विंग है उसमें भी इन्वॉल्विंग हो जाता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके अगेंस्ट ले जाते हैं तो वो भी इन्वॉल्विंग हो जाता है. नेक्स्ट है केसेस दैट रिक्वायर द रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओन जजमेंट यानी कभी कभी कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि रिक्वायर होती है जरूरत पड़ती है हमें रिव्यू. स्टूडेंट रिव्यू का मीन आपको बता रहा हूं मैं एक एग्जांपल देके. जैसे आपने क्रिकेट सभी देखते होंगे क्रिकेट लगभग मैक्सिमम
पीपल्स हैं रिप्रेजेंट में, यानी बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं। आप क्रिकेट में क्या होता है, सिर्फ एम्पायर होते हैं, एम्पायर ने कोई डिसीजन दिया, एम्पायर ने कोई डिसीजन दिया और उस प्लेयर को, यानी जो बैटिंग करता है या जो बॉलिंग साइड होती है, दोनों में से कोई भी साइड होती है, उन्हें लगा कि डिसीजन हमारे खिलाफ गया है, हमें लग रहा है कि हम आउट नहीं और एम्पायर ने हमें आउट दे दिया। अगर रिव्यू सिस्टम है तो वहां पर रिव्यू सिस्टम जब होता है तो जो भी बैट्समैन होता है उसे आउट दे दिया एम्पायर ने, अब बैट्समैन लग रहा है कि मैं आउट नहीं हूं तो वो रिव्यू ले लेता है, यानी थर्ड एम्पायर द्वारा रिव्यू लेता है और इस टाइप से वो मतलब एक इशारा जो देता है। ऐसे ही अगर बॉलर है, बॉलर को लगा कि प्लेयर आउट है और एम्पायर ने उसको आउट नहीं दिया, उसने अपनी अपील की, बॉलर ने अपील की लेकिन एम्पायर ने आउट दिया, अब बॉलर को लग रहा है कि ये बैट्समैन आउट है तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी रिव्यू ले सकता है। तो ऐसे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर केस माशाल्लाह वो केस फाइनल है तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जो केस करने के लिए एक टाइम देता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर राम मंदिर जो केस आया था उसमें क्या होता है, डिसीजन जब हुआ था तो उसमें डिसीजन के लिए एक रिव्यू पिटीशन दिया था, यानी रिव्यू के लिए टाइम दिया था। जैसे अगर आपको लग रहा है केस का जो डिसीजन है वो निर्णय ठीक से नहीं आया है तो आप इतने दिन के अंतर, मतलब इतने दिन के अंतर्गत यानी अंदर वो आप रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको दोबारा केस को ओपन कर सकते हैं। तो ये रिव्यू है, यानी जजमेंट जो है वो उसकी रिव्यू की लेता है कोर्ट में। थर्ड है आपका एडवाइजरी जुडिशियल, अब देखिए एडवाइजरी यानी सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज द एडवाइजरी जुडिशियल, यानी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी यानी जो डिसीजन है जो एडवाइजरी सलाह भी ली जाती है, यानी इट इंक्लूड द प्रेसिडेंट टू सीक द कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट से सीक द कोर्ट से प्रेसिडेंट से एडवाइजरी ली जाती है, और ओपिनियन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी प्रेसिडेंट साथ में कोई भी एनी क्वेश्चन पे उसके ओपिनियन यानी उस पर डिबेट किया जाता है, ओपिनियन बातचीत होती है। सच एडवाइज हाउएवर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बस ये जो ओपिनियन है ये जो एडवाइज है वो नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट से उसमें बाइंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी, नेक्स्ट क्या है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, हियर इज दैट यानी सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स, यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज द ऑल कोर्ट्स, यानी सभी कोर्ट्स है चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट हो हाई कोर्ट हो सबको क्या करता है, सबको सुपरवाइज करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी आप देखिए हियर इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी द सुप्रीम कोर्ट कीप्स रिकॉर्ड ऑल ऑफ डिसीजंस एंड दे एज्यूम द करेक्टर ऑफ लॉ, यानी जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट रखता है, जो भी उनकी रिकॉर्ड रखता है क्योंकि, और जो डिसीजन दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज द्वारा उनके भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि आगे अगर लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो डिसीजंस दोबारा भी सुनवाए जा सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्टूडेंट्स देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी जो हमें फंडामेंटल राइट्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उन फंडामेंटल राइट्स को हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें जो राइट्स मिला है वो गवर्नमेंट वो राइट देने से इनकार करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर मतलब हमें प्रॉब्लम होती है जनता को, उसमें गवर्नमेंट कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उस राइट्स में जनता के लिए, तो जो जनता है जो पीपल्स हैं वो उस राइट्स के मतलब गवर्नमेंट से अगेंस्ट या किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट यानी कहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।